जय हिंद। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। आप सभी का खैर मकदम है। BTS न्यूज़ चैनल पर आज बरोज़ पीर बतारीख 13 दिसंबर को मुकामी आवाम ने एन शुबा जनरल मैनेजर HMWSSB नारायण गुड़ा हैदराबाद से मुलाकात की गई और उन लोगों ने डर का इजहार किया कि पीने का पानी जो रामनगर वाटर टैंक से सप्लाई हो रहा है वहां पर हाल ही में लाश बरामद की गई थी। उसी ताल्लुक से मुकामी लोग जानकारी हासिल करने आए थे और मुलाकात भी किए, डर का इजहार भी किए। इस मौके पर तमाम को तयखुन दिलाया गया कि पानी अभी साफ सप्लाई किया जा रहा है उन तक। इस मौके पर टेक्निकल टीम, हेल्थ हजार्ड इंफॉर्मेशन, अब्रार हुसैन आज़ाद हैदराबाद इंचार्ज बहुजन समाज पार्टी BSP, मोहम्मद अयास हैदराबाद सेक्रेटरी और इंचार्ज मुशीराबाद BSP, एल सत्यनारायणा प्रेसिडेंट मुशीराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी BSP, अब्दुल रहीम खान वाइस प्रेसिडेंट मुशीराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी BSP और दीगर टीम मौजूद थी। देखिए इसके कुछ झलक किया। हर अहम खबर से बाखबर रहने BTS न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, BTS न्यूज़ चैनल। हल्का असम्बली मुशीराबाद में वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर ई सुबह रेड्डी साहब से हमारी मुलाकात हुई आज। भोलकपुर में और बिलखसूस रामनगर में पानी के मसाइल को लेकर के आवाम में काफ़ी शिकायतें मौजूद है। रामनगर में हुए हालिया टैंकर में मौत होने के वाक़े के बाद से आवाम में पानी के पीने से मुतालिक काफ़ी खदशात है, डर है और एक किस्म का साइकोलॉजिकल उनके साथ में एक दबाव है कि यहाँ से जो है ना एक लाश वाला पानी हमारे को सप्लाई हुआ था और हम जो है ना फिर इस पाइपलाइन से कैसा पानी पिए। इस सिलसिले में हम जनरल मैनेजर साहब से बात की है, उन्होंने समझाया कि हम मेडिकली हम इसको जो है ना ट्रीट कर दिए हैं, इसको क्लोरीन डाल रहे हैं और इसका जो है ना अवेयरनेस भी हम पब्लिक में लेकर आ रहे हैं। इससे पानी के पीने से किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं रहेगा आवाम को, इसका जनरल मैनेजर साहब तयखुन दिए। तो वही बात हम जो है ना आवाम को भी बताना चाह रहे हैं कि पानी ये इस्तेमाल के काबिल है और ये पानी को जो है ना पिया जा सकता है। अब इसमें कोई किस्म का कोई नुकसान या कोई ख़तरा इसमें मौजूद नहीं है, तो आप लोग जो है ना पानी पी सकते हैं। और भोलकपुर के भी जो है ना जो पाइपलाइन का जो काम चल रहा है वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं। और जो पानी की सप्लाई की जहाँ जहाँ रुकावट आ रही है, बिलखसूस गुलशन नगर मस्जिद गुलशन नगर से के करीब से भी आज मेरे को सुबह फ़ोन आए और लोग जो है ना इस बात की इतला दी है, मैं वो भी इनके जिक्र में लाया। और बांग्लादेश और जो है ना दीगर इलाकों का पानी की सप्लाई के बारे में जो है ना वो पूरा नोट लिए हैं। इंशाल्लाह वो DGM चंद्रशेखर के ज़रिए उस काम को तकमील करने का वादा किए हैं। బేసి తరఫున సుబ్బరాయుడు మన జనరల్ మేనేజర్ గారిని కలిసినాం. ఈ ట్యాంక్ విషయంలో ఈ బాడీ ఈ డెడ్ బాడీ అయితే చనిపోయిందో చాలామంది ఈ నీళ్లు తాగి ఇబ్బందుల పాలైనారు. కనుక ఈ విషయంపై మేము సార్తో మాట్లాడి విషయాలన్నీ చాలా క్లుప్తంగా అడిగాము. అది ఏం చేయబోతున్నారు ఏం అంటే ఆయన క్లారిటీ చెప్పాడు. ట్యాంక్ మొత్తం క్లీన్ చేసినాం, అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేసినాం. ఇక భవిష్యత్తులో అలాంటి జరగకుండా అనేకమైన సెక్యూరిటీ గార్డులను మరియు ఈ కెమెరాస్ను ఫిట్ చేసినాం. ఇదే కాక దీనివల్ల చాలా మొత్తం హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర చాలా సెక్యూరిటీగా ఉండి ఇప్పటి నుంచి అలాంటి జరగకుండా, భవిష్యత్తు జరగకుండా చూద్దామని మాకు హామీ ఇచ్చారు. ఇంకా చాలా విషయాలు మాట్లాడినాం మా బోలక్పూర్ విషయంలో కానీ ఇంకేదో ఓ కెనం విషయాల్లో ఏదైతే నీళ్లు ఇంకుతున్నాయో రోడ్లల్లో మీరు పైపుల కొరకు తవ్వి పెట్టినవి అవి కూడా క్లీన్ చేస్తే బాగుంటుంది, లేకుంటే అవి కూడా వాటర్లకు వెళ్ళి మురికి నీళ్ళుగా తయారవుతున్నాయి. ప్రజలకు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కనుక మీరు ఇది సాల్వ్ చేయాల్సిన అంటే ఆయన ఒప్పుకున్నాడు. మన అబ్రార్ హుసేన్ మా చిట్టి ఇన్ఛార్జ్ గారు మాట్లాడారు, మేము కూడా మాట్లాడము. అట్లాగే మన రెహమాన్ సార్ BSP తరఫున వెళ్ళి సార్తో చాలా క్లియర్ విషయాలు మాట్లాడితే ఆయన అన్ని విషయాలు ఒప్పుకున్నాడు. ఇది మీకు తెలియజేస్తున్నాను. आए हैं वाटर डिपार्टमेंट, तो ये जो पानी का जो चल रहा हरिनगर रामनगर और रिसाला, जिसमें टांकी में एक आदमी की लाश की वजह से साहब से बात की हम
और साफ ये टहरे वो सब क्लीन हो रहा, कोई टेंशन नहीं है। इंशाल्लाह पानी भी आएगा, कोई पब्लिक को जो है ना कोई परेशानी की बात नहीं रहेंगी, बोल के साफ बोले और सभी साफ से मिलके हम लोग ये बात कर रहे हैं। बीएसपी भैया अभी भोलकपुर से, रंगानगर से, जैसे भी अपना रामनगर है, हरिनगर है, हडिक मेट है, कहीं से भी कॉल्स आ रहे हैं मेरे, पानी की बहुत प्रॉब्लम्स है। जो डेड बॉडी जो निकली है टाकी में, जल्द से जल्द साफ किए गए, जल्द से जल्द पूरा काम होगा। हम ऑफिसर से अभी बात करें, डिपार्टमेंट से पूरे ऑफिसर से बात हुई, बस जल्द से जल्द अपना काम चालू होगा। पानी ऑनलाइन चालू होगा, अभी कंप्लेंट देते ही 5 मिनट में चालू होगा, पानी सप्लाई चालू हो गई। आपको कुछ नगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई फॉल्स आ रहे हैं मेरे, कहीं से भी मैं रिस्पेंड नहीं दे रहा, ये ना को समझो, मगर जो है जल्द से जल्द काम होगा आपका, पानी जल्द से जल्द चालू किया जाएगा, पानी की तकलीफ नहीं रहेंगी आगे से इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।